हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं शुरू कर रही हूँ एक न्यू व्लॉग, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोवन वेडिंग। आज थी मेरी फ्रेंड मारिया की वेडिंग, जिसके लिए मैं बहुत पहले से एक्साइटेड थी, बहुत ही इंटरेस्टेड थी। ये देखिए वेडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे होने वाला है ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री, जिसके लिए ब्राइड्समेड डांस कर रही है। जो ब्राइड्समेड है वो भी मेरी फ्रेंड है। देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, इन्होंने बहुत प्रिपेयर किया था ये डांस के लिए, बहुत पहले से वो रेडी हो रहे थे फॉर द डांस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी वेडिंग। मुझे पर्सनली गोवन वेडिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। आप सभी लोगों को कैसे लगता है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब होने वाला है ब्राइड की एंट्री। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे ब्राइड एंड ग्रूम को देखने के लिए, इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। और ये हो गई द ग्रैंड एंट्री ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम मारिया एंड जॉल्टन। देखिए कितने खुश लग रहे हैं दोनों, बहुत ही अच्छा लग रहा था। गोवन वेडिंग का एक ये रिचुअल है, जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं सभी को स्टेज पे होना पड़ता है। देखिए सभी को एक राउंड शेप पे, लाइक सर्कल पे खड़ा होना पड़ता है। देन ये फ्लावर गर्ल है जो सबको फ्लावर पेटल्स दे रही थी, ताकि जब भी ब्राइड एंड ग्रूम हमारे पास से गुजरे, जैसे कि आप देख सकते हो वो पर्सनली सबको मीट करते हैं ब्राइड एंड ग्रूम, तो आपको उनके ऊपर दैट पेटल्स डालना है। तो वो वन बाय वन सभी को मिलती है, जितने भी गेस्ट प्रेजेंट होते हैं। सो हियर शी गोज़, वो दोनों सबसे मिल रहे हैं। मैं भी वेट कर रही हूँ कब मारिया मेरे तरफ आएगी, और स्लोली ये मेरे ही तरफ आ रही है। ये देखिए फ्लावर पेटल्स सब उनके ऊपर डाल रहे हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये मोमेंट। देखिए कितनी खुश लग रही है, और ये अब आ रही है मेरे ही तरफ। नाउ मारिया भी बिल्कुल मेरे सामने है, मैंने भी उसके ऊपर फ्लावर पेटल्स डाले, और अब ये दोनों जा रहे हैं। जस्ट राउंड कंप्लीट हो गया इनका, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों में से किस किस ने ऐसी वेडिंग्स इंजॉय की है। ये देखिए अब वो चली गई केक कट करने के लिए, अब होगा उनका केक कटिंग का टाइम। ये देखिए सारे लोग यहाँ पर खड़े हो गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि मारिया का जो केक है आप लोग सामने देख सकते हैं, उसका कलर है डार्क ग्रीन एंड वाइट। एक्चुअली उसने ये कस्टमाइज्ड करवाया था वाइट कलर उसके गाउन के साथ, एंड जो डार्क ग्रीन कलर है वो ब्राइड्समेड के गाउन के साथ उसने मैच किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी सब केक कट करने का वेट कर रहे थे। बाय द टाइम जो एंकर थे वो सभी को ब्राइड और ग्रूम के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे दोनों साइड के लोग होते हैं, ब्राइड के साइड के भी गेस्ट है, ग्रूम के साइड के भी है, तो वो सभी को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिटेल्स में बताते हैं, उनके फैमिली के बारे में बताते हैं। और बस यही चल रहा है अभी, और उसके बाद होगा केक कटिंग। देन यहाँ का एक और रिचुअल है शैम्पेन बॉटल ओपनिंग, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखिए बहुत इंजॉय होता है उसमें, सब लोग देखिए कितने खुश है। सो इट्स द टाइम नाउ, अब होगा केक कटिंग। कितना फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक हो रहा है, देखिए सब क्लैप कर रहे हैं। अगेन क्लैप के साथ वो वेलकम कर रहे हैं अभी ब्राइड के पेरेंट्स और ग्रूम के पेरेंट्स को, वो भी यहाँ आके खड़े होने वाले हैं। और ये रहे ब्राइड के पेरेंट्स, एंड ग्रूम के पेरेंट्स पहले ही आ गए थे, मैं क्लिक करने भूल गई थी, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये देखिए द टाइम, केक कटिंग स्टार्ट हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है, वो केक कट कर रहे हैं अभी। एक्चुअली ये इनका वेडिंग तो नहीं था, ये इनका वेडिंग रिसेप्शन था, क्योंकि वेडिंग जो होता है ना वो चर्च पे होता है, जो दिन को ही हो गया था, मतलब दिन को वेडिंग होता है और द सेम डे रात को इनका होता है रिसेप्शन। तो मैं रिसेप्शन के लिए गई थी, क्योंकि वेडिंग पे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और डायरेक्टली वो चर्च से यहाँ आ जाते, हॉल पे आ जाते रिसेप्शन के लिए। और मुझे ज़्यादा रिसेप्शन ही इनका पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जैसे डांस वगैरह होता है एंड एवरीथिंग आई लाइक, मुझे बहुत पसंद है।
तो और जो चर्च पे इनका शादी हो रहा था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं जा नहीं पाई शादी पे, और मैं आ गई डायरेक्टली हॉल पे इनके रिसेप्शन पार्टी में। ये अराउंड 8 बजे स्टार्ट हुआ तो मैं पहुंच गई थी टाइम पे ही, और मुझे कुछ भी मिस नहीं करना था। मुझे पहले से ही मन था कि मैं एकदम स्टार्टिंग से इनका सारा सब कुछ इंजॉय करूँ, तो मैं जस्ट द मोमेंट आई एंटर्ड और इनका भी रिसेप्शन स्टार्ट हो गया था। और ये रहा द स्पेशल मोमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शैम्पेन बोटल ओपनिंग। तो ये जो दो लड़के हैं यहाँ पे, एक है ब्राइड का भाई एंड अदर वन इज़ ग्रूम का कज़न। सो ये लोग अभी शैम्पेन ओपन कर रहे थे, ये देखिए शैम्पेन बोटल उन्होंने पोर कर दिया, और ये अब दे रहे हैं ब्राइड एंड ग्रूम को विद देयर फैमिली मेम्बर। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ये सबको दे रहे थे, सर्व कर रहे थे, और इनको पीना था अभी शैम्पेन, बोथ ब्राइड एंड ग्रूम एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। अब ये होने के बाद विद द शैम्पेन बोटल ग्लासेस वो कुछ पिक्चर्स और क्लिक करवा रहे थे, और सारे गेस्ट वेट कर रहे थे जो मेन अट्रैक्शन है इनके वेडिंग का वो स्टार्ट होने का, और जो कि है इनका डांस। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई होप सबको ही अच्छा लगता होगा इनका जो डांस है। अब वो स्टार्ट होने वाला था और ये स्टार्ट हो गए गोवा का ये ट्रेडिशनल डांस। इसमें क्या होता है, जो ब्राइड एंड ग्रूम है और फॉलोड बाय द ब्राइड्समेड एंड ऑल, ये यहाँ पे एज अ सर्कल शेप में घूमते हैं, और इनके पीछे जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सभी तो नहीं बट मोस्टली जिन लोगों को डांस करना अच्छा लगता है तो वो स्टेज पे होते हैं, और वो जस्ट डांस स्टेप की तरह ही वो राउंड राउंड वो हॉल पे घूमते हैं। और ये जो है ना, इस पे मोस्टली कपल्स होते हैं, लाइक कपल्स ही घूमते हैं विद देयर पार्टनर, और नॉट कंपल्सरी कि आपके पार्टनर या हस्बैंड वाइफ ही होना चाहिए, कोई भी घूम सकता है, बट उसके साथ कोई पार्टनर होना चाहिए, जैसे कि कोई भाई बहन घूम रहे, कोई लाइक कोई भी हो सकता है, लाइक फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, और या कोई भी लाइक सब घूम रहे हैं। और फिर बहुत देर ऐसे 2-3 राउंड वो घूमते हैं, बीच पे ब्राइड एंड ग्रूम खड़े हो जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और उनके हाथ के अंदर से हमें जाना होता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड देन ये देखिए सारे जो लोग फ्लोर पे थे, जो लोग डांस के लिए इंटरेस्टेड थे, जिनको अच्छा लगता है, तो ये खड़े हो गए यहाँ पे, और ये कुछ गेम टाइप का हो रहा है यहाँ पे आपको खड़े होना है, और जैसे एंकर बोलते जाते हैं गेम के लिए वैसे ही गेम्स होते रहता है। आफ्टर कुछ गेम्स इनका लाइक ब्राइड एंड ग्रूम का डांस स्टार्ट होता है, और अभी वो डांस स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए व्यू यहाँ का, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, और डेकोरेशन भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये हो गया इनका कपल डांस स्टार्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग डांस कर रहे थे ये। मुझे म्यूज़िक बंद करना पड़ा, आप सबको पता होगा कॉपीराइट का इशू आ जाता है, और ये एक कोंकणी गाने पे डांस कर रहे थे। कोंकणी गाना मीन्स यहाँ का लोकल सॉन्ग, लोकल लैंग्वेज, तो उस गाने पे डांस कर रहे थे, और जितने भी लोग स्टेज पे थे सब लाइक अगेन राउंड घूम रहे थे सब, इवन मैं भी घूम रही थी और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अभी कुछ देर तक इनका डांस चलने वाला था, और सभी को एंजॉय करना था, देखना था, और मैं भी जस्ट एंजॉय कर रही थी, देख रही थी इनका डांस, और एज यूजुअल घूम रही थी सर्कल पे, और सब वीडियोस क्लिक कर रहे थे, इनका फ़ोटोज़ शूट कर रहे थे। डांस जब हो रहा था काफ़ी स्लो था, तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, वीडियो लेंदी ना हो। ये देखिए इनका डांस फास्ट फॉर्म में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सब। मैं सेम वर्ड बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट दिस इज़ द फैक्ट। कितना स्मोक हो गया यहाँ पे, देखिए कितना धुआं हो गया, यहाँ तक आ गया था, बहुत ज़्यादा स्मोक था, और इस स्मोक पे डांस बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। ये देखिए, और अब ब्राइड एंड ग्रूम के डांस के बाद बाकी सब कपल्स का डांस स्टार्ट था। देखिए कितने कपल है यहाँ पे, जितने भी कपल्स थे सभी को अभी डांस करना था। अगेन नॉट कंपल्सरी कि आपका हस्बैंड और वाइफ होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे छोटे भाई बहन ये दोनों भी डांस कर रहे थे, आप किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने थोड़ी देर पहले शूट किया और फिर मैं भी डांस करने लगी,
जिसका क्लिप मेरे पास नहीं है बिकॉज कोई था ही नहीं शूट करने के लिए, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया एंड देन आई स्टार्टेड टू डांस। अब फिर ये डांस चल रहा है, ये देखिए ये अंकल भी कितने अच्छे से नाच रहे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे भी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया बिकॉज आप सबको पता होगा ये डांस फॉर्म कितना स्लो होता है। और थोड़ी देर डांस करने के बाद मैं हो गई थी टायर्ड, आके बैठ गई और थोड़ा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद मैं आ गई ये जो हॉल था वेडिंग हॉल, इसका व्यू लेने। ये था वेडिंग हॉल, देखिए कितना प्यारा है। ये एक्चुअली एक गार्डन टाइप का ही था, गार्डन था एंड फ्रंट पार्ट पे स्टेज था और यहाँ से इनका गेट स्टार्ट होता है। ये देखिए सिक्योरिटी भाई साहब अंदर जा रहे हैं। ये रहा बोर्ड, वेलकम टू द वेडिंग रिसेप्शन ऑफ जॉल्टन एंड मारिया। और यहीं से गेस्ट का बैठने का अरेंजमेंट स्टार्ट था क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट थे, तो यहाँ से एकदम स्टार्टिंग तक लाइक बहुत ही ज़्यादा गेस्ट थे यहाँ पे। ये रहा इन दोनों का पिक्चर और ये है गेट, देखिए कितने अच्छे से डेकोरेशन किया है इन्होंने, बहुत सुंदर है। ये रही है, और ये रही एंजल मेरी बेटी जो भी जा रही है पहले पहले। ये देखिए कितने गेस्ट बैठे हुए थे और यहीं से ये लोग इंजॉय कर रहे थे, जिन्हें डांस करना पसंद नहीं हो वो दूर से ही बैठ के इंजॉय कर रहे थे। बट मोस्टली लोग जाते ही थोड़ा बहुत डांस करके आकर बैठ जाते हैं, बट 90% लोग जाते ही डांस के लिए। और ये यहाँ पे एक और चीज़, ये देखिए ब्राइड किसी अंकल के साथ डांस कर रही है। ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ब्राइड को सभी के साथ डांस करना होता है, जितने भी लोग को ब्राइड के साथ डांस करने के लिए इंटरेस्टेड है तो कोई भी आता है और ब्राइड उनके साथ डांस करती है फ्यू स्टेप्स। अब ये अंकल के साथ डांस कर रही है एंड देखिए ये अभी और एक मे बी अंकल है, कौन है मैं नहीं जानती इनको, तो उनके साथ डांस कर रही है। और उसके बाद वो फिर और कोई आएगा लाइक फ्यू स्टेप्स, वो हर किसी के साथ थोड़े थोड़े स्टेप्स करती है या फिर थोड़ा थोड़ा डांस करती है। अब यहाँ पे देखिए ब्राइड और किसी के साथ डांस कर रही है और जितने भी लोग हैं सब पीछे डांस कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा फास्ट है इसलिए आपको ज़्यादा फास्ट दिख रहा होगा। ये गोवा का बहुत अच्छा सॉन्ग है, कोंकणी सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है ये वाला गाना। और इस पर सब डांस कर रहे हैं ट्रेन बन के, सब एक के पीछे एक जा रहे हैं, देखिए लाइन बना के डांस कर रहे हैं। अब जो स्लो फॉर्म डांस था वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, अब इनको स्पीड में ही डांस करना है, देखिए। क्योंकि यहाँ का और एक बात है, यहाँ का एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि 10 बजे तक आपको सारे म्यूज़िक बंद करना होता है, तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे जल्दी पार्टी ख़त्म करना पड़ता है आफ्टर कोविड। पहले ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो आफ्टर कोविड ये रेस्ट्रिक्शन आ गया कि आपको 10 बजे के अंदर म्यूज़िक कैसे भी बंद करना ही है, आप कोई भी म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे जितना जल्दी होता है सब डांस कर लेते हैं और उसके बाद बाकी जो भी होना है, क्योंकि म्यूज़िक तो बंद करना पड़ता है और विदाउट म्यूज़िक कैसे ही डांस हो सकता है। ये देखिए सब लोग घूम रहे अगेन सर्कल शेप, यहाँ पे सर्कल ही घूमते रहते हैं मोस्टली। हो गया आप देखिए दूसरा स्टेप्स डांस, और ये डांस यहाँ पे स्टेज में जो एंकर थे वो शो कर रहे थे सबको। ये देखिए एंजल भी डांस कर रही है, तो उनके स्टेप पे ही सब डांस कर रहे थे। अभी सबका सिंगल डांस ख़त्म हो गया था, ये गाना भी बहुत अच्छा था और इनके स्टेप्स पे सबको डांस करना था। ये देखिए कितना फनी स्टेप है ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत डांस करती हूँ और फिर शूट करती हूँ, और ये वाला तो मैं डांस करते करते शूट कर रही थी, एक हाथ पे फ़ोन था सो एक हाथ से ही शूट कर रही थी और डांस करती। ये देखिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छा है, कोई भी आता है सब कोई डांस करते हैं, बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े तक हर कोई इंजॉय करता है। देखिए ये स्टेप्स पे सबको डांस करना है, सब कर रहे हैं, ये स्टेप अच्छा लग रहा था, अगेन डांस डांस। और एक बात यहाँ पे है कि दिसंबर का महीना है बट फिर भी गोवा में तो गर्मी होती है, गोवा पे कभी ठंड होता ही नहीं है, तो डांस करते करते सबको इतनी गर्मी हो रही थी फिर भी द पार्टी मस्ट गो ऑन, तो सब लोग डांस कर रहे थे। और एंजल यहाँ पे देखिए डांस करके टायर्ड हो गई तो फिर पीछे आ गई, फिर डांस कर रही क्योंकि उसे भी डांस करना बहुत पसंद है। देखिए थोड़ा बहुत डांस करती है और फिर रुक जाती है, ऐसे ही चल रहा था। और अब ऑलमोस्ट पार्टी ख़त्म होने का टाइम आ गया था क्योंकि 10 बजने ही वाले थे,
और जैसे मैंने बोला आपको कि म्यूज़िक बंद करना था, तो अब सब लोग पूरे जोश के साथ लास्ट गाने पे, नॉट लास्ट गाना बट ऑलमोस्ट लास्ट, सब डांस कर रहे थे। देखिए फुल ऑन जोश। ये वीडियो थोड़ा फास्ट है इसलिए थोड़ा फनी लग रहा है, और यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी डांस करके टायर्ड हो गए थे वो पीछे खड़े हो गए थे थोड़ा बहुत, मैं भी करी थी। और ये रहा डांस, ये आ गई फिर से, और अब मैं बहुत टायर्ड हो गई थी तो मैं आके बैठ गई और डांस किया नहीं जा रहा था, तो मैं यहीं से, मैंने सोचा क्यों ना यहीं से मज़ा लिया जाए डांस का। मोस्टली ये लास्ट गाना था और लास्ट डांस, उसके बाद होता है कि लाइक ब्राइड एंड ग्रूम आके स्टेज पे बैठते हैं, आप उन्हें ग्रीट कर सकते हैं। पहले नहीं होता है ये क्योंकि म्यूज़िक बंद करना पड़ता है। तो अभी ये लास्ट गाना था, लास्ट डांस के बाद ब्राइड एंड ग्रूम आके यहाँ पे स्टेज है जहाँ पे वो बैठेंगे, इसी स्टेज पे, ये देखिए। और यहाँ पे आपको सबको उन्हें जाके विश करना है, और जो भी आप अगर उसे उन्हें कुछ गिफ्ट करना चाहते कर सकते हैं यहीं से। और उसके बाद फिर लाइक फूड वगैरह होता है, आपको खाना है, देन पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म। और ये था लास्ट म्यूज़िक। और इस पे इंटरेस्टिंग बात ये था क्योंकि इतने टाइम तो म्यूज़िक प्ले हो रहा था, आई मीन डीजे वगैरह, बट इसमें क्या था, लाइव सॉन्ग था। ये जो आदमी है वो खुद गाना गा रहा था, और गाना भी बहुत ही अच्छा गाना था, ये देखिए ये खुद ही गा रहा था, तो इसीलिए सबको और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अगेन मुझे म्यूज़िक, आई कॉन्ट शो, म्यूज़िक ऑन नहीं रख पा रही थी बिकॉज ऑफ दिस इशू। और ये देखिए सब फुल जोश में डांस कर रहे हैं, थोड़ा सा अगेन स्लो फॉर्म पे है। और यही था मेरा आज का व्लॉग, आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे बताइए, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, टिल देन बाय।